Hello to everyone. We are going to have a look on Burkina Faso. Burkina Faso एक छोटा सा कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, आप लोग देख सकते हैं. ये है Burkina Faso. कहाँ पर है? वेस्ट अफ्रीका में. अगर अफ्रीका की बात करें तो इधर ईस्ट अफ्रीका हो गया, यहाँ इजिप्ट है, सूडान है, और वेस्ट अफ्रीका की बात करें जहाँ पर माली है, बुर्किना फासो है, गिनी है, ये सारे कंट्री के साथ बुर्किनो फासो भी है. बुर्किनो फासो अभी अभी न्यूज़ में फिर से आ चुका है. ऐसे तो रहता ही है, उसका मेन कारण है यहाँ की गरीबी और भुखमरी. लेकिन अभी यहाँ पर मिलिट्री कू के वजह से ये न्यूज़ में रहा है. अगर आप हेडिंग पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि लीडर दामिबा रिज़ाइन. जो दामिबा हैं, यहाँ के लीडर जो अभी तक थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है. और अभी जो नए लीडर बने हैं उनका नाम है इब्राहिम. इब्राहिम बिकम्स द न्यू लीडर एट द एज ऑफ 34, जिसके वजह से ये दुनिया के सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड लीडर बनते हैं. ओके, वो अलग बात है कि इन्होंने भी कू का सहारा लिया है बुर्किनो फासो का लीडर बनने का. अगर मैं आपको टाइमलाइन से बता सकूं तो बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा. जनवरी में क्या हुआ कि दामिबा ने, जो लेजिटिमेटली इलेक्टेड लीडर थे बुर्किना फासो के, उनको हटा करके ये प्रेसिडेंट बन गए, वहां के लीडर बन गए. उसके बाद फिर दामिबा को हटा के कैप्टन इब्राहिम जो हैं वो रिसेंटली क्या कर दिए हैं, बुर्किना फासो के नए लीडर बन गए. ओके, सो यही एक न्यूज़ है जिसको हम लोग देखना है, जिसे हम लोगों को थोड़ा सा इन डेप्थ में भी समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है, मल्टीपल कूप क्यों हो रहे हैं. कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा इसके पीछे. ऐसे ही नहीं कि एक छोटा सा जो लैंडलॉक्ड कंट्री है उसमें इतना ज़्यादा टर्मोइल क्यों आ रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग ड्वेल करेंगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी आउट हियर बुर्किनो फासो इज़ ए लैंडलॉक्ड कंट्री. इस मैप में थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहा है. ये बॉर्डर शेयर करता है ऊपर माली के साथ. और आगे हम लोग देखेंगे कि माली इज़ द मेन प्रॉब्लम. माली को अगर एक लाइन में बोले तो माली एक ऐसा कंट्री बन चुका है जहाँ जिहादिस्ट एक्टिविटी, अलकायदा ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जिहादिस्ट एक्टिविटी बुर्किना फासो के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उसमें भी बढ़ रहे हैं. और यही मेन कारण है मिलिट्री कू का. ओके, मैंने ये तो आपको बता दिया कि बुर्किना फासो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लेकिन यहाँ पर एक दो और रीज़न हैं जो कि बताता है बुर्किना फासो की जो रियलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. इवन यहाँ पर एक पॉइंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अ पुअर कंट्री इवन बाय वेस्ट अफ्रीकन स्टैंडर्ड. ये पूरा जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है ना, इनमें भी सबसे गरीब बुर्किना फासो है. देखिए, एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड करूँगा कि बहुत सारे जो यहाँ पर आप कंट्री देख रहे हैं ना, जैसे कि घाना हो गया, टोगो हो गया, बेनिन हो गया, घाना, टोगो, बेनिन, आइवरी कोस्ट, गिनी, सेरा लियोन, लाइबेरिया, ये सारे कंट्री अगर सर्वाइव कर पा रहे हैं ना, तो उसके पीछे एक छोटा सा कारण है कि वो लैंडलॉक नहीं है. और बुर्किना फासो अगर इतना सफ़र करता है ना, तो उसके पीछे एक कारण है कि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है. और इसका मोस्टली जो डिपेंडेंस है वो दो चीज़ों पर है. एक तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है. उसके साथ साथ यहाँ पर एक मिनरल रिजर्व तो मिलता है, जिसकी वजह से इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बरकरार है, और वो है गोल्ड. थोड़ी सी अगर हिस्ट्री के ऊपर ध्यान दें तो यू कैन सी आउट हियर बुर्किना फासो वाज़ ए फ्रेंच कॉलोनी, फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी, जो कि 1960 में ही अपना इंडिपेंडेंस को गेन किया. फ्रेंच ऐसे लगता नहीं है कि बहुत ही बड़ा कॉलोनलाइजर हुआ करता होगा. जितने बड़े स्पेनिश थे, जितने बड़े पुर्तगीज थे, जितने बड़े आपके इंग्लिश थे, उतने बड़े तो नहीं थे. लेकिन फ्रेंच की अगर इस मैप से थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे पॉकेट हैं ना जहाँ पर फ्रेंच का ऑक्यूपेशन है. कैन यू सी आउट देयर, ये साउथ अमेरिका में एक छोटा सा जगह यहाँ पर रेड कलर का है, ये कुछ और नहीं है, ये फ्रेंच गिनी है. ओके, अफ्रीका का जो वेस्टर्न अफ्रीका का पार्ट यू कैन सी आउट हियर, यहाँ पर आपको पूरा फ्रेंच ऑक्यूपेशन मिल जाएगा. मेडागास्कर और इंडियन ओशियन में रीयूनियन आइलैंड्स, ये सारे जो रीजन हैं वहाँ पर आपको फ्रेंच ऑक्यूपेशन मिल जाएगा.
सो ये दिखाता है कि फ्रेंच ऑक्यूपेशन बहुत ही ज़्यादा विस्तार में नहीं था, बहुत ही ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाइड नहीं था, पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉकेट्स में फ्रेंच ऑक्यूपेशन था, और उसमें बुर्किनो फासो जो है ना वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको 1960 में इंडिपेंडेंस मिलता है। देखिए, जितने सारे अभी कॉलोनीज कहीं ना कहीं रहे हैं, उनका जो पास्ट है वो उनको हॉन्ट करता है, और उनका जो पास्ट है उनको आगे बढ़ने नहीं देता है, जिसमें कि बहुत सारे कंट्रीज हैं। क्लियर कट एग्जांपल मिलता है वो पाकिस्तान का मिलता है, और कुछ कंट्रीज उभर भी पाए हैं, जैसे कि इंडिया का एग्जांपल मिलता है, पर बुर्किना फासो उन सारे कंट्रीज में से हैं जो कि आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी फाइंड कर रहे हैं अपना वे कि कम से कम भुखमरी जो है वहाँ पर, पॉवर्टी और हंगर है, उससे कैसे वो बाहर निकले। सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो से आपको निकालना है वो ये निकालना है कि मिलिट्री कू हो क्यों रहा है, क्या ऐसा रीज़न है जिसके वजह से मिलिट्री कू हो रहा है, और जो रीज़न है वो है जिहाद। माली जो कि बगल का कंट्री है, जो नॉर्दर्न कंट्री है, वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी बढ़ गए हैं, उसके वजह से बहुत ही ज्यादा वायलेंस और टेररिज्म आपका बढ़ गया है बुर्किना फासो में, और इसी को साइट करके, इसी को कोट करके वहां पर मल्टीपल मिलिट्री कू हो रहे हैं। ओके, व्हाट इज रिटन आउट हियर, लेट मी रीड। लेफ्टिनेंट जनरल दामीबा आउस्टेड प्रेसिडेंट मार्क कैबोरे। अब मार्क कैबोरे को उन्होंने कब हटाया, जनवरी 2022 में, ठीक है, क्या साइट करके कि गवर्नमेंट फेलियर टू हॉल्ट एन इंसर्जेंसी बाय जिहादिस्ट, जिहादिस्ट को रोकने में असमर्थ थे प्रेसिडेंट मार्क कैबोरी, ठीक है, जो कि अपना ग्रिप किए हुए है नॉर्थ ऑफ द कंट्री में जहां से माली का बॉर्डर सटता है। ही डिसॉल्व द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट एंड सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया, कब तक लिए, 2024 तक उन्होंने माना था, जो आपके दामी बात है, उनका मानना था कि 2024 तक हम हॉल्ट करके रखेंगे। Although he has promised to begin talk on restoring democracy, the new president has set no timetable. That's what I am talking about. Ibrahim ने कुछ भी नहीं किया, बताया है कि मैं कब तक डेमोक्रेसी को वापस लाऊंगा, लेकिन दामीबा ने कहा था कि 2024 तक का समय दीजिए, 2024 में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, फिर से डेमोक्रेसी को लाएंगे और इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, पर द न्यू प्रेसिडेंट इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। ये हैं आपके इब्राहिम तारोरे। एट द एज ऑफ 34 ही बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड लीडर। बुर्किना फासो लेजिटिमेट लीडर, ऑल्दो द इकोवास यूनियन, देखो यहाँ पर क्या है ना, इकोवास एक 15 वेस्ट अफ्रीकन नेशन का ग्रुप है, जिसने की कहा था कि जुलाई 2024 एक्सपायरेशन डेट होगा मिलिट्री कू का, लेकिन ये चीज जो है इसके ऊपर कोई भी सहमति इब्राहिम तारोरे ने नहीं दिखाई है। लास्टली यहां पर यही लिखा हुआ है कि दामीबा को, दामीबा ने जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे उनको हटाया, अभी जो दामीबा को भी हटाया गया है, उन सबको का जो मेन रीजन है वो वायलेंस और थाउजेंड ऑफ लाइव्स जो कि टेररिज्म के वजह से जो वहां के लोकल्स हैं वो खो चुके हैं। 2 million पीपल लॉस्ट देयर होम्स बिकॉज ऑफ दिस जिहादिस्ट एक्टिविटीज, एंड दैट्स व्हाई ये मिलिट्री कू हमें बुर्किना फासो में देखने को मिल रहा है।